गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और जैसे कि आप देख रहे हैं सब हम रेडी हैं अपनी राइड के लिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तनोट माता मंदिर, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जाएंगे लोंगेवाल। तो आज काफ़ी एक्चुअली हेक्टिक डे हो चुका है, आंखें देखिए कितनी नींद से भरी हुई हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पाई। कल रात को हम पहुँचे थे यहाँ पे अराउंड 8 o'clock, तो उसके बाद सीधा ब्रेक डिनर किया, फिर हम कुलधरा चले गए। तो रात को 12:30 बज गए और सो भी नहीं पाए सारी रात। तो अब 3 बजे के उठे हुए हैं, तो नाउ वी आर रेडी टू गो। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऑन द वे, टिल देन बाय। सो गाइस बज चुके हैं 6:45 और हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने सारे। तो ये गाइस हाईवे जाता है सारा टू तनोट माता मंदिर एंड लोंगेवाल। सो अभी अराउंड 70 किलोमीटर्स अभी और पड़े हैं, तो अभी जस्ट चाय पी के फ्री हुए हैं। काफ़ी ठंड है सुबह सुबह, बट मोस्ट प्रोबेबली 7:30 जब धूप निकलनी शुरू होगी तब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, बट अभी तक तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो दूर दूर तक देखिए बिल्कुल वाइट है और मिट्टी वगैरह सब कुछ वाइट है यहाँ पे गाइस। सो गाइस आई थिंक यहाँ पे मार्बल वगैरह का काम है। तो ये रामगढ़ का रास्ता है, तो आई थिंक 2-3 फैक्ट्रीज निकली थी यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे मार्बल का वर्क होता हो, पत्थर निकलता हो। तो पर ऐसे लगता है जैसे स्नो पड़ी हो दोनों तरफ, काफी वाइटनेस है सड़क पे भी आप देख सकते हैं, है तो मिट्टी पर लगता है जैसे स्नो हो। तो हर चीज आप पेड़ों का रंग भी देखिए, पेड़ों का रंग भी वाइट हुआ पड़ा है, ये देखिए जैसे स्नो पड़ी हो। हाँ देखो नाल मेरा भरा ये देखा हो नजारे आंदे नजारे जाते। तो गाइस ये सामने जो आप देख रहे हैं ये विक्ट्री स्तंभ है, जो कि तनोट माता के मंदिर से एंट्री से पहले ही बना हुआ है। और अब ये जो रास्ता जा रहा है ये मंदिर के अंदर जा रहा है, तो सामने माता जी का मंदिर है और ये उनका गेट लगा हुआ है आगे। तो काफ़ी पीसफुली बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे BSF है, यही सारा मंदिर को कंट्रोल करते हैं और यही यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं, यही यहाँ पे इनकी सेवा करते हैं मंदिर की। तो सारा बागडोर इनके हाथ में ही है BSF वालों के। तो ये माता रानी जी का यहाँ से अंदर जाते हैं। तो जय माता दी। बंद आया
तो भाई जैसे कि आपने देखे ये जो बम पड़े हैं यहाँ पे ये फटे नहीं थे मंदिर के एरिया में, तो यही चमत्कार है माता रानी का।